Again, welcome back students. By Zoom, online learning platform is presenting the next video of Class Plus 2 NEET Crash Course. और Dr. Poonam के साथ आज का जो हमारा वीडियो है वो है What's the types of placenta on the basis of various types of the factor. So, इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग तरह से हर फैक्टर के हिसाब से टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटा को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के प्लेसेंटा अवेलेबल होते हैं इन द होल मैमल्स के केस में. ओके, सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस दैट द प्लेसेंटा इन ह्यूमन बीइंग आर कोरियोनिक प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा. सो वो किसके बेसिस पर डिस्कस किए थे हमने? वो हमने डिस्कस किए थे डेवलपमेंट ऑफ द कोरियोन के बेसिस पे एंड द कनेक्शन ऑफ द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस के बेसिस पे एंड द अरेंजमेंट ऑफ द कोरियोनिक विलय के बेसिस पे. सो उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर रिपीट भी करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटा इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. क्लियर? सो फटाफट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें मैंने पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा डिस्कस किया है वो है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन. फीटल मेम्ब्रेन यू ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर द फोर टाइप ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस एंड योक सैक. अब हम इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो प्लेसेंटा बनता है वो कौन सी टाइप की फीटल मेम्ब्रेन से बनता है, तो उसके बेसिस पे प्लेसेंटा को हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट इसमें है योक सैक प्लेसेंटा. ऑब्वियसली खुद नाम इंडिकेट कर रहा है व्हेन द प्लेसेंटा इज डेवलप फ्रॉम द योक सैक ऑफ द डेवलपिंग फीटस. तो इसका मतलब ये उसी के अंदर ही ज़्यादा होता होगा जिनके अंदर योक सैक, जिनके एग में योक सैक बहुत ज्यादा डेवलप होता है. तो योक सैक प्लेसेंटा इज फाउंड इन द केस ऑफ कैंगरूज एज वेल एज द कैंगरूज इज मार्सुपियल एंड द केस ऑफ द ओपोसम एंड इज द मेटाथीरियंस. ओके, दूसरा हम जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा कर रहे हैं दैट इज द कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा. मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इनको सभी अपनी नोटबुक्स में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली ये वाला प्लेसेंटा का टॉपिक आपकी प्लस वन प्लस टू की बुक्स में नहीं दिया होता सेपरेटली, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर? सो सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन दैट इज द कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी कोरियोन भी इन्वॉल्व है, एलेंटोइस मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है. तो एलेंटोइन और कोरियोन व्हेन बोथ द फीटल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज द कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा. पॉइंट टू में नोटेड, आपको इसके एग्जाम्पल ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल मस्ट राइट करने हैं इनके. ओके, सो ये वाला कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा मोस्ट ऑफ द यूथीरियंस जिनमें ट्रू प्लेसेंटा मिलता है उनके केस में हमें ये देख को मिलता है. और थर्ड है दैट इज द कोरियोनिक प्लेसेंटा जिसके अंदर कोरियोन जो है कोरियोन से कोरियोनिक विलय बनती है और कोरियोनिक विलय से अम्बिलिकल कॉर्ड एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. ओके, एंड ऑब्वियसली इट इज फाउंड इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्लेसेंटा कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ बोथ द डेवलपिंग फीटस एज वेल एज द मदर. ओके, इससे पहले हम आपको वो सिक्स लेयर्स बताएंगे जो सिक्स लेयर मिलती हैं हमें एक मदर और एक फीटस की कनेक्शन के बीच में, वो कौन कौन सी हमें लेयर देखने को मिलती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स लेयर में से थ्री लेयर फीटस की होती हैं, थ्री लेयर मदर की होती हैं. तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें फर्स्ट है इसमें एंडोथीलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल. फीटस की ब्लड वेसल होगी तो ब्लड वेसल ऑब्वियसली एंडोथीलियम से बनी होती है. तो फर्स्ट है यहाँ पे एंडोथीलियम ऑफ द फीटस. उसके ऊपर क्या होगा? एंडोथीलियम के ऊपर ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो दूसरा जो होता है फीटल कनेक्टिव टिश्यू. और तीसरा क्या आता है यहाँ पे? ट्रोफोब्लास्ट. ऑब्वियसली फिटस के जब बाहर हम आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट ही होती है. तो इसका मतलब तीन जो लेयर है वो फिटस की होगी, फीटल, एंडोथीलियम, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू और आउटर में ट्रोफोब्लास्ट. अब इससे हम ऊपर देखते हैं कि मदर का थ्री लेयर कौन कौन सी होते हैं. यूटराइन एपिथीलियम आएगा, यूटराइन एपिथीलियम तीन हमने नीचे पढ़ी हैं. अब मदर की तरफ जैसे मूव कर रहे हैं, पहले यूटराइन एपिथीलियम आता है, फिर वही यूटराइन कनेक्टिव टिश्यू आता है और फिर मदर की ब्लड वेसल जा जाएंगे एंड द ऑब्वियसली एंडोथीलियम ऑफ द मदर ब्लड वेसल्स. क्लियर? सो अब हम इन छह में से कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, कौन सी नहीं होती, उनके बेसिस पे टाइप ऑफ प्लेसेंटा को डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें पहला है एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा. एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा के अंदर
सभी की सभी सिक्स लेयर्स जो होती हैं, अभी जो हमने डिस्कस की थी कनेक्टिव लेयर, वो सिक्स के सिक्स प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं एंडिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा एंड दीज आर फाउंड इन द हॉर्स एश एंड पिग्स के केस में मिलती है, क्लियर। दूसरी टाइप की होती है, दैट इज सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा के अंदर सिन मतलब फ्यूज, डेस्मो का मतलब डेसिडुअस लेयर, डेस्मोकोरियल, तो यहाँ पे यूट्राइन एपिथीलियम इज एबसेंट। अगर हम सिक्स लेयर में से करें तो यूट्राइन एपिथीलियम नहीं होता, तो क्योंकि वो फ्यूज हो गया है, वो डायरेक्ट फीटस की मेम्ब्रेन यूट्राइन के साथ इसमें फ्यूज हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी होती हैं, फाइव लेयर्स होती हैं, और यूट्रस की एपिथीलियम नहीं होता। थ्री लेयर्स ऑफ द फीटस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज द एंडोथीलियम ऑफ द मदर ब्लड, ओके। एंड दीज आर फाउंड इन द काओ, शीप, गोट, बफेलोज, कैमल्स एज वेल एज द जिराफ। उसके बाद में नेक्स्ट है जो ह्यूमन बींग के केस में मिलता है, दैट इज द हीमोकोरियल प्लेसेंटा। एंड हीमोकोरियल प्लेसेंटा में डायरेक्टली क्या होता है, जो फ्लोटिंग ब्लड होता है मदर का, एंड दैट इज डायरेक्टली कनेक्शन इन द विलेय ऑफ द डेवलपिंग फीटस। सो हीमोकोरियल प्लेसेंटा में ऑल द यूट्राइन टिश्यूज आर, जो यूट्राइन बैरियर्स होते हैं वो सभी के सभी एबसेंट होते हैं। कौन कौन सा, यूट्राइन एपिथीलियम नहीं होगा, यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, इसका मतलब डायरेक्ट ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड कनेक्शन में होता है, ब्लड की कोई एंडोथीलियम भी नहीं होती है, ओके। एंड दिस इज फाउंड इन द लीमर, एप्स एंड एज वेल एज इन द केस ऑफ द मैन, ओके। और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं, दैट इज द हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। हीमो मतलब डायरेक्ट ब्लड है, ऑब्वियसली वहां पे ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू कुछ है ही नहीं, तो हीम प्लस एंडोथीलियम, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑल द थ्री यूट्राइन टिश्यूज बैरियर जो हैं वो फिटस के वो हैं ही नहीं, ऑल द थ्री यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू, देर इज नो एनी कनेक्शन, ऑब्वियसली डायरेक्ट द डेवलपिंग फिटस इज डायरेक्टली सकिंग द ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मदर, एंड दिस इज केस इन फाउंड ऑफ द रैबिट, रैट, गुइना, पिग्स। इसका मतलब इनके केस में ड्यूरिंग द डिलीवरी देर इज नो एनी टाइप ऑफ द ब्लीडिंग, नो एनी टाइप ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड टेक प्लेस, ओके। सो इसमें क्या होता है, ओमली डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस में न्यूट्रिशन को लिया जाता है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हम कर रहे हैं टाइप ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ द फेट ऑफ द यूट्राइन प्लेसेंटा, कि यूट्रस का जो प्लेसेंटा है उसका क्या रेट है ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द शेडिंग, कि क्या वो शेड हो रहा है वो नहीं हो रहा है। अगर शेड हो रहा है ड्यूरिंग द पास्टुरेशन, ड्यूरिंग द बेबी बर्थ, कि कौन सा पार्ट मदर का शेड आउट हो रहा है, ओके। तो उसके बेसिस में पहला होता है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपिंग फीटस है वो ही अपने तीनों की तीनों मेम्ब्रेन को लेकर के वहाँ पर बर्थ हो जाता है। यहाँ पर जो डेवलपिंग जो मदर थी जो डेवलप करवा रही थी उसमें जो थ्री लेयर्स थी उनमें से कोई भी पार्ट यहाँ पे शेड नहीं होता यूट्राइन एपिथीलियम का। सो जो नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा है, नो एनी पार्ट ऑफ द यूट्रस यूट्राइन प्लेसेंटा इज शेड ऑफ। यूट्राइन प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट यहाँ पे शेड नहीं होता आउट ऑफ द थ्री लेयर्स, ओके। एंड दिस इज द फाउंड इन द केस ऑफ हॉर्स एश एंड द जेब्रा। इसका मतलब ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ दीज देर इज ओनली द फ्लो ऑफ द एमनियोटिक फ्लूड, देर इज नो एनी टाइप ऑफ द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द पास्टुरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेसिडुएट प्लेसेंटा। डेसिडुएट प्लेसेंटा का मतलब यस देर इज शेडिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ द लेयर, सो ओनली फ्यू पार्ट ऑफ इज शेड ड्यूरिंग द पास्टुरेशन। एंड कौन सा पार्ट शेड होता है, इट इज द डेसिडुआ बैसिलिस। एंड डेसिडुआ बैसिलिस जो है वो डेसिडुआ बैसिलिस ही ड्यूरिंग द पास्टुरेशन शेड होती है, क्योंकि डेसिडुआ बैसिलिस ह्यूमन बींग के केस में ही प्लेसेंटा का पार्ट बताया जाता है। एंड डेसिडुआ बैसिलिस इज द पार्ट ऑफ द यूट्राइन एपिथिलियम, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, तो यही ऑब्वियसली शेड ऑफ होना ही है, ओके। और तीसरा है इसमें कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। कॉन्ट्रा डेसिडुएट का मतलब दिस इज द टाइप ऑफ द नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा जिसमें कोई शेडिंग नहीं होनी होती है, लेकिन इवन द फीटल प्लेसेंटा इज एब्जॉर्ब्ड। लेकिन यहाँ पर जो फीटस का जो लेयर होती है वो भी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, वो भी वहाँ पे शेड नहीं होती है। एंड दिस इज द केस ऑफ द मोल के अंदर मिलता है एंड बेंजिकोट के अंदर ये मिलता है, ओके। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा इज अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विलय ऑन द कॉरियन। कॉरियन के बाहर विलय कैसे प्रेजेंट है यूट्राइन कैविटी के अंदर, उनके बेसिस पे हम टाइप ऑफ द प्लेसेंटा को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज का मतलब यहाँ पर कॉरियोनिक विलय चारों तरफ
पूरे के पूरे डेवलपिंग फिटस के बाहर जो कोरियोन है उसके चारों तरफ कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट होती हैं। ओके, लाइक दिस इज द कोरियोन एंड द कोरियोनिक विलाई ऐसे रेगुलर मैनर में प्रेजेंट होती हैं। और जो डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है वो मिलता है हमें पिग हॉर्स एंड द लीमर के केस में हमें मिलता है। उसके बाद में आता है कोटिलेडनरी प्लेसेंटा। कोटिलेडनरी प्लेसेंटा के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो कोटिलेडन्स की फॉर्म में हमें मिलता है। हाफ कोरियोनिक विलाई इधर मिलती हैं और हाफ इधर मिलती है कोटिलेडन्स की फॉर्म में। ओके, सो कोटिलेडनरी प्लेसेंटा इन द सेपरेट पैचेस, दो सेपरेट पैच की फॉर्म में यहाँ पे कोरियोनिक विलाई मिलती है ऑन द कोरियन। और कोटिलेडनरी प्लेसेंटा जो हमें मिलता है काओ, शीप, गोट एंड डियर के केस में मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्लेसेंटा आता है दैट इज द इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। इंटरमीडिएट प्लेसेंटा क्या होता है, इन कोटिलेडन्स एज वेल एज इन द स्कैटर्ड कैमल, ये यहाँ पे मिलती हैं हमें यहाँ पे कोटिलेडन्स की फॉर्म में ऐसे, लेकिन ये स्कैटर्ड भी होती हैं, ऐसे नहीं है। स्कैटर्ड का मतलब होता है रेंडमली, कोटिलेडन का मतलब होता है एक पैच में मिल रही है हमें। ओके, तो इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पर वो हमें स्कैटर्ड की फॉर्म में भी मिल रही है, हमें कोटिलेडन की फॉर्म में भी हमें मिल रही है एज वेल। तो ये एग्जांपल मिलता है हमें कैमल और जिराफ के केस में। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जोनरी प्लेसेंटा, जोन के अंदर जिसमें मिलता है। तो यहाँ पर जो जो प्लेसेंटा है वो हमें सिर्फ एक गर्डल की फॉर्म में मिलता है। सपोज दिस इज ए डेवलपिंग फिटस और उसमें एक गर्डल में मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है वो एक साइड के गर्डल पे। सो व्हेन द डेवलपिंग कोरियोनिक विलाई आर फाउंड इन ए गर्डल ऑन इन कोरियोन दैट इज नोन एज द जोनरी प्लेसेंटा एंड दीज आर फाउंड इन द कैट, डॉग, सील एंड एलिफेंट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिस्कोइडल प्लेसेंटा। डिस्कोइडल प्लेसेंटा का मतलब होता है जहाँ पर डेवलपिंग फिटस जो है के अराउंड जो कोरियोना है उसमें एक सिर्फ डिस्क की फॉर्म में मिलती हैं, जैसे ये इस तरह। तो एक ही डिस्क की फॉर्म में, एक गोले के एरिया की फॉर्म में अगर हमें कोरियोनिक विलई मिलती हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर डायग्राम के थ्रू ह्यूमन बीइंग का दिखाया था, तो वो डिस्कोइडल प्लेसेंटा होता। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर मैंने मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा बताया था। क्यों? तो नेक्स्ट टाइप है इसमें मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा। मेटा डिस्कोइडल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जो होती है वो कैसे होती है, डिफ्यूज होती है पूरी बॉडी के अराउंड। कोरियोनिक विलाई जो होती है वो कोरियोन पे डेवलप होती है, लेकिन बाद में जैसे फीटस डेवलप करता है तो वो आउटर साइड की खत्म होकर के एक डिस्क पे ही रह जाती है, तो वो कैसी हो गई, डिस्कोइडल। तो स्टार्टिंग में कैसी थी, डिफ्यूज, फिर डिस्कोइडल हो गई, तो इसलिए इसको नाम देते हैं मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा। अब मेटा डिस्कोइडल में होता क्या है, कई कई बार एक डिस्क पे रह जाती है, कई कई बार दोनों डिस्क पे रह जाती है, ऊपर और नीचे। तो इसी तरह मोनोडिस्कोइडल भी हो सकता है, बायडिस्कोइडल भी हो सकता है। तो जैसे हमारे अंदर सिंपल मेटा डिस्कोइडल मोनोडिस्कोइडल होती है। ओके, सो हमारे अंदर जो होती है वो मोनोडिस्कोइडल होती है, एग्जांपल ऑब्वियसली मैन का है, और जो बायडिस्कोइडल होती है वो मंकीज, एप्स का केस में हमें मिलता है। क्लियर भाई? सो इस वीडियो के अंदर हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा डिस्कस किया, जो नॉर्मली आपको नहीं मिलता और बच्चे इनके एग्जाम्पल में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। क्लियर भाई? सो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसका वेट कीजिएगा और उस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।